निरंकारी सामूहिक विवाह समारोह में 90 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। नवी मुंबई 28 जनवरी 2019 संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में आज यहां आयोजित रंगारंग सामूहिक विवाह समारोह में मिशन की आध्यात्मिक प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन सानिध्य में 90 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। महाराष्ट्र के 52वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के समापन के बाद उसी स्थान पर खारगर स्थित सिडको मैदान में यह समारोह संपन्न हुआ। सादे पर प्रभावशाली ढंग से आयोजित इस समारोह का शुभारंभ निरंकारी मिशन के पारंपरिक जयमाला एवं सांझा हार से हुआ। संगीत के बीच पवित्र मंत्र स्वरूप चार निरंकारी लावा पढ़ी गई एवं हर लावा के अंत में सदगुरु माता जी एवं अन्य श्रद्धालु भक्तों द्वारा जोड़ों पर फूलों की वर्षा की गई। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सदगुरु माता जी ने कहा कि वे सब अपनी अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए। ऐसा करते समय वे अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दें। सदगुरु माता जी ने निरंकार प्रभु से जोड़ों की सेवा सुमिरन एवं सत्संग करते हुए कल्याण की प्रार्थना की। आज इधर सामूहिक शादियों के रूप में जो आप सब आए हैं दासी, आप सबको मुबारकबाद देना चाहेगी कि निरंकार कृपा करे कि ये जो बंधन में बंद रहे हैं निरंकार को हाजिर नाजिर मान के, और अभी जो चार लाभों में जो वाउस भी है सबने कि किस तरह सत्संग को अहमियत हमेशा देनी है, निरंकार प्रभु परमात्मा को देनी है। शादी के साथ साथ जो और बंधन मिलते हैं, जो रिश्तेदारियां बनती हैं, उनको भी बहुत ही सेंसिटिविटी, बहुत ही ध्यान से अपने आगे जो भी नए बंधन बन रहे हैं उनको जहाँ निभाना है, कर्तव्य भी बनते हैं इस रिश्ते में बनने के बाद वो भी बखूबी सपने निभाने हैं। जिंदगी में शादी का दिन बहुत ही अहम होता है, पर उसको भी महापुरुष कैसे इतनी सिंपलिसिटी से किसी के भी नजर जहाँ जा रही है, कोई कपड़े आभूषण कोई इतना लैविश कुछ नहीं है, जो भाव है सिंपलिसिटी का मैरिज में वो सब आप करते हुए अपने जीवन को जहाँ आगे से आगे लेकर जाएं। दादा कृपा करें कि सब परिवारों में हमेशा सुखदायी जीवन एक रहे। आज के इस विवाह समारोह में मुंबई क्षेत्र के 45 जोड़े थे, जबकि अन्य दूल्हे दुल्हने अंतरराज्य थी। मुंबई से 60 दूल्हे एवं 52 दुल्हने थी तथा रोष महाराष्ट्र से 22 दूल्हे एवं 28 दुल्हने आई हुई थी। 8 दूल्हे एवं 9 दुल्हने अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से थी। उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा एवं आसाम का समावेश है। पेश है नवी मुंबई की खास रिपोर्ट। और मुझे प्रेस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, मीडिया डिपार्टमेंट में मैं एस कोऑर्डिनेटर सेवा कर रहा हूँ। सर ये जानना चाहेंगे कि आज सामूहिक शादियों में 90 जोड़े शादियों में उनकी शादियां हो रही है, क्या खास बात है? ये खासियत इसलिए है क्योंकि हम जनरली समाज में देखते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपनी बिरादरी में अपने परिवार में ही करें, लेकिन यहाँ इन सारी की सारी बातों से ऊपर उठ करके समाज के हर वर्ग के नौजवान युवा युवतियां यहाँ पे हैं। वो चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं या साधारण परिवारों से हैं, इकोनॉमिकली हम उन्हें बिल्कुल एक सिंपल सीधे साधे कह सकते हैं, या वेल ऑफ कहीं इंजीनियर्स भी हैं और महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से बाहर की स्टेट से हैं, तो मिला जुला सा संगम जिसे हम एक फुलवारी कह सकते हैं, भांति भांति के रंगों के फूल हैं, वो एक फुलवारी के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। ये विशेषता है कि एक ही यहाँ पे ऐसा कुछ आपको रूपता नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर विभिन्नता में भी एक रूपता झलक करके आपके सामने आ रही है। क्या उसकी प्रक्रिया लगभग एक मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में के समागम के साथ ये एक काफी समय से बात जुड़ी हुई है कि समागम के बाद एक दिन ऐसा निश्चित होता है जबकि सामूहिक शादियां होती हैं, और ऑलमोस्ट काफी समय से जो लोगों के परिवारों में शादियां फिक्स होती हैं वो कोशिश से करते हैं कि इसी तारीख में इसी एक विशेष दिन में आकर के करें। प्रक्रिया में जैसे सिंपल एक लड़का लड़की परिवार एक दूसरे को देखते हैं समझते हैं, वो प्रायर उनकी बातें कईयों की हुई होती हैं, कई यहां आकर के बात करते हैं,
और यहाँ आकर के हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है बकायदा कि ये परिवार लड़के वाले हैं, ये परिवार लड़की वाले हैं, तो उस प्रक्रिया से होकर के सारा का सारा अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं और सदगुरु का आशीर्वाद उन्हें यहाँ आकर के मिल जाता है। क्या जहाँ भी समागम होते हैं वहाँ सामूहिक शादियाँ होती है? अक्सर जहाँ जहाँ भी समागम होते हैं इस बड़े रूप में, समागम के साथ भी कभी कभी चीजें जुड़ी होती हैं, या ईयर अराउंड पूरे के पूरे वर्ष भर भी कभी कभी कोई कोई दिन ऐसे निश्चित होते हैं कि जब ऐसे कार्यक्रम हुआ करते हैं। अब तक कितने जोड़ा बंधन में बन गए होंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कई सालों से ये चल रहा है प्रथा, कभी 100, कभी 125, कभी 150। अच्छा, आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक कितने जोड़े हैं विवाह बंधन? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्टली शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि जब से वार्षिक संत समागम हो रहे हैं तभी से ही हर बरस समागम के वक्त में 100 से लेकर के 150 जोड़े शादी के बंधन में बनते हैं। कभी ये संख्या 125 होती है, कभी 160 होती है, तो लगभग औसतन इतने ही जोड़े शादी के बंधन में बनते हैं। सर, कभी आपके दरअसल हमें सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ी। दरअसल जहां जहां भी ये शादियां होती हैं, और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज से 10 साल पुरानी बात है, जब शादियां हो रही थी संपन्न, तो यहां पे एक संदेश आया कि लगभग 70-80 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों के नामकरण होने हैं। तो मैंने पूछा ये नाम किनके? कहने लगे ये वो है परिवार जिनकी शादियां पिछले साल या उससे पिछले साल हुए थे। और दूसरी विशेषता यह है कि कहीं से हमें कोई खबर इस प्रकार की ऐसी आज तक आई नहीं, तो ऐसे लगता है कि बहुत खुशहाल से, बहुत आनंद से वो रह रहे हैं। कैसा लग रहा है इस सामूहिक विवाह में आके आपको? शादी के बाद में जैसे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आशीर्वाद आएगा कि किसी जोड़ों ने शादी करनी है, इसके बाद भी ये गीतों का कार्यक्रम सिलसिला जो है जारी रहेगा। अभी इतने देर तक माता रानी आते हैं, ये सिलसिला गीतों का अभी शुरू रहेगा। जी, वो सिक्के दूसरों को भी बताओ, यही संदेश है। अब ये बताएं कि आप उन पैसों का जो अच्छे प्रेमा ने बोला सेवा लगाएंगे। कैसे मुलाकात हुई आपके पति से?